there was an idea which I wanted to work on. So I started approaching labs ki dekho aisa hai, there is this thing I want to work on. Hota hai ki logon ke food chain mein chromium jo hai wo enter karta hai. And once it enters your food chain, chromium in the hexavalent form, it's carcinogenic. Mm-hmm. Pe, over uh-huh. the years, around 3 million people have been reportedly suffered from cancer. Mm-hmm. Then I approached a few labs. They said, no, you're not going to do this. You're too young. Classic. 10th में थे, 9th में थे. And they were fun. जहाँ पे अराउंड 80 कंट्रीज से लोग पार्टिसिपेट करते हैं. गेटिंग एक्सपोजर टू समथिंग लाइक अ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन 10th ग्रेड इज रियल फन. बात कर रहे हैं क्रोमियम गया, लाइक हाउ डू यू इवन गेट टू नो कि किसी चीज में क्रोमियम है या नहीं. The whole instrument you got to see there, right? Exactly. But school में क्या बताते हैं? बस ऐसा होता है, उसको पता कर लो तो फिर ये कर. School level में the most you can go is maybe a UV visible spectroscopy, और वो भी शायद से नहीं होता है, वो भी theoretically बचाया जाता है कि ऐसा होता है. ऐसा instrument exist करता है जो जिसका principle ये है, इसकी theory रट लो. रट लो एंड देन एग्जाम में पूछ लेंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल. प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल. तो यूवी विजिबल से आगे डिस्कशन नहीं होता. एंड यहाँ पे वी हैड लाइक साक्षात रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी था, लाइक इन मल्टी क्रोर्स उसका नंबर था, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर, क्योंकि उसके लिए बकायदा एक रूम अलॉट किया गया था विच वॉज 24/7 एसी चलेगा. उसमें 3 एसी थे. उसका कभी सीपीयू ऑफ नहीं होता था. उसके लिए एक साइंटिफिक ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे, स्पेशली पोस्ट डॉक्टरेट साइंटिफिक ऑफिसर जो उसको हैंडल करने में हेल्प करते थे. सो व्हाट आफ्टर जॉन्स हॉपकिंस? आफ्टर जॉन्स हॉपकिंस ऑनेस्टली आई हैवंट डिसाइडेड. सो वंस आई फिगर आउट माय फोकस एरिया, इट विल बी यू नो easier for me to take a decision from there on. But the trajectory is obviously maybe PhD. Is that PhD or not exactly? Not exactly. I want to get into the entrepreneurial venture. I want to start my own things.